अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब बारिश के बाद कश्ती का सहारा लेते आ चुके हैं साइबर गेम्स पर। जवाद भाई हमारे साथ हैं यहाँ पर, और अभी देखते हैं कि जवाद भाई अभी क्या रेट्स वगैरह लेकर आए हैं, क्या इन्हें रेट्स कोट करते हैं, अब प्राइसेस में चेंज वगैरह आया है या नहीं, या फिर बारिश में सब डूब गया, वो भी चेक करते हैं अभी। तो अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैद भाई, पहले तो आप सुनाएं आपका सफर कैसा रहा कश्ती पर? बस पहुँच ही गए, कागज़ की कश्ती डूब भी गई पहली, ठीक है आपको नई बना के दे देंगे। चलो कोई नहीं। हाँ। तो जवाद भाई सबसे पहले तो फिर बाकी अपना होम डिलीवरी सर्विस वगैरह वो बाद में पूछते हैं, पर पहले रेट्स पर आते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाती है। तो फिर PS5 के अभी क्या रेट चल रहे हैं? जैद भाई PS5 अगर स्लिम की आप बात करें, UK वाला जो है उसका रेट जो है 165 का रेट है, ब्रांड न्यू 165 ब्रांड न्यू, सही UK वाला। अभी क्या पता इसके 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अभी जो मेरे पास रेट है वो 165 का ही है। क्या पता आगे जो है इसके रेट बढ़ेंगे या पोएंगे, 170 प्लस हो सकते हैं। बाकी इसी में अगर आप जापान की बात करें तो जापान भी सेम रेट ही है, उसका तो माल अभी शॉर्ट चल रहा है, आ ही नहीं रहा है, ज़्यादा भी UK ही मिल रहा है। बाकी अगर फैट की बात करें तो फैट में अगर आप जापान पे जाएंगे तो वो आपको पड़ेगा 164 का, ठीक है, और अगर आप UK पे जाएंगे तो UK पे आपको 170 का पड़ेगा। सही। और ये FC24 वाले ये वाउचर ये आपकी CD के साथ है, ये आपको CD के साथ पड़ेगा 180 का। 180 का जी, सही। और क्या कहते हैं यूज में भी आए हुए हैं मेरे पास, ये दो पीस पड़े हुए हैं, एक में मेरे पास UK है, एक में मेरे पास अमेरिकन है। UK वाला जो मैं कोट कर रहा हूँ 137 का आपको मिल जाएगा, और जो USA वाला ये आपको पड़ेगा 139 का। इसके GTA 5 भी इंस्टॉल्ड है, पहले मैंने आई थिंक 142 वगैरह के रेट दिए थे, तो मैंने इनके रेट कम कर दिए। सही। तो ये कंसोल परचेज करने के लिए जो शॉप का एड्रेस है फिर बताएं कहाँ पर हैं लोग? जैद भाई शॉप जो है हमारी मेन मुक्का चौक से आप सीधा आते हैं तो उल्टे हाथ पे ही शैल का पंप पड़ता है, उसी के बराबर वाली बिल्डिंग है मेन रोड की, शमीम स्काईलाइन टावर, उसी के फ्रंट की शॉप है साइबर गेम्स के नाम से। और अगर आप गुलशन की साइड से आ रहे हैं तो गुलशन के आपसे जो है वो उल्टे हाथ पे शैल का पंप पड़ेगा, उसके एकदम अपोजिट आप देखेंगे तो उसके सामने हमारी शॉप है। बाकी आप गूगल पे लिखेंगे तो साइबर गेम्स आ जाएगी, बाकी आप व्हाट्सएप करके हम लोकेशन वगैरह फ़ौरन आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, और सब कोई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको मिल भी जाएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी। तो जवाब भाई फिर PS3 पर आ जाते हैं तो बताएं। PS3 इसमें मेरे पास दो पीस हैं, एक ये डब्बे वाला पीस है, ठीक है ना, ये दो कंट्रोलर के साथ आपको पड़ेगा 27,000 रुपये। 27,000 रुपये 500 GB ओरिजिनल बॉक्स है। अच्छा जी, ओरिजिनल बॉक्स है 500 GB। और इसी में मेरे पास एक और पीस है, ये सिर्फ जो है इसकी HDMI पोर्ट ख़राब थी, HDMI पोर्ट बनी है, कंडीशन आप इसकी देख लें, इसका कवर नहीं है, ठीक है ना, रफ है थोड़ी। हाँ ये थोड़ी कंडीशन इसकी रफ है, ये भी 500 GB है, ये आपको पड़ेगा दो कंट्रोलर के साथ 19,000 रुपये। 19,000 रुपये का दो कंट्रोलर के साथ, क्योंकि इसके HDMI पे काम हुआ है और इसकी कंडीशन थोड़ी रफ है। सही है, वैसे सही चल रही है, गेम वगैरह इंस्टॉल्ड है, दो कंट्रोलर के साथ, दो कंट्रोलर जो होंगे वो डब्बा पैक होंगे। सही, 19,000 रुपये का। तो किसी भी कॉन्टैक्ट करना हो तो नंबर वगैरह फिर बता दें क्या है? 03408686829 ये मेरा पर्सनल नंबर है, और बाकी साइबर गेम्स का जो है वो 03323608078। सही है, आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो फिर आपको कॉन्टैक्ट किस टाइम पे करें? जैद भाई हमारी शॉप खुलती है 2 से रात 11-12 बजे तक हमारी टाइमिंग है, तो आप हमें जो है वो इस शॉप की टाइमिंग में तो कभी भी आप कॉल या SMS कर सकते हैं। वैसे जो है अगर आपको कॉल वगैरह करनी भी है किसी भी टाइम, तो आप हमारे सुबह 12 से लेकर रात 2 बजे तक हमसे आप कॉल्स वगैरह या मैसेजेस पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बस 2 से लेकर सुबह 11-12 बजे तक जो है वो कॉल्स ना करें, आपकी जो भी क्यूरी है आप व्हाट्सएप कर दें, जैसे ही मैं देखूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। सही है जी। तो इस टाइम के बीच में आप कॉन्टैक्ट नहीं करें क्यों? और फिर आगे फिर PS4 वगैरह पर चल जाते हैं हम। PS4 में जैद भाई प्रो की बात करें तो आपको पता है मेरे पास बेहतरीन स्टॉक था बॉक्स वाले पीसेज में, जो ब्रांड न्यू वो अलहमदिल्ला तकरीबन सारे बिक गए, से दो पीस ही बचे मेरे पास। तो ये आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे पीसी आपको फाइनल अभी पड़ेंगे 80,000 के। 80,000 के बिल्कुल ब्रांड न्यू। मैंने लास्ट वीडियो में 78 का रेट दिया था, अब इसका स्टॉक मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और आगे स्टॉक मेरे पास इसका आना नहीं है। सही। ये 80,000 का पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ये अपना इसमें जाते हैं मेटल फ्रंट में, तो ये आपको पड़ेगा 70,000 का ये पड़ जाएगा। और इसी में अगर आपका ये सेम चीज़ है मेटल फ्रंट का ही है, बस इसके यहाँ कंट्रोलर ब्लैक वाला है, ये आपको पड़ेगा 66,000 का ये पड़ जाएगा। तो इनकी होम डिलीवरी भी हो जाएगी? जी, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल ओवर कराची, और अगर कराची से बाहर डिलीवर कराना है तो कोरियर सर्विस अवेलेबल है, वो पूरी एडवांस पेमेंट होती है। सिर्फ PS5 की डिलीवरी नहीं करते, विद इन 10 किलोमीटर PS5 की भी डिलीवरी अब हम कर देते हैं, वो भी अश्योरिटी वगैरह करके पूरी। सही, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना एडवांस पेमेंट कितनी? नहीं, कराची में एडवांस, आउट ऑफ कराची जो आउट ऑफ कराची फुल एडवांस है। फुल एडवांस है। CD हो 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, क्योंकि मैं पहले कैश ऑन डिलीवरी करके देख चुका हूँ, लोग ऑर्डर कर देते हैं बट फिर वो ऑर्डर रिसीव नहीं करते, वो बिला वजह डिलीवरी के पैसे हमारे ज़ाया होते हैं।
सही, इस वजह से हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कर, और वैसे भी वो 20,000 रुपये की लिमिट होती है, तो आप 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ ले रहे होते तो फिर वो बात वही एडवांस पेमेंट पे आ जाती है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप फुल एडवांस पेमेंट करें, आप भी वो रहेंगे टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री रहेंगे। अच्छा, ये PS5 फैट और स्लिम में आप क्या रिकमेंड करें? मैं रिकमेंड जैद भाई फैट करूँगा, क्योंकि फैट आपके सामने जो है वो 3 साल हो गए अभी, एज सच उसमें मतलब कोई कंप्लेंट्स आई नहीं है कि मतलब हीटअप हो रहा है। मैं भी चला रहा हूँ कि तो 3 साल से, तो कि मतलब कोई हीटअप का मसला आ रहा है या कोई सीडी रोम का मसला आ रहा है, एज सच मतलब जैसे बाकी PS4 PS3 में एक मेजर आता है, जैसे PS3 में HDMI का हमेशा आता है मसला, स्लिम के अंदर सीडी रोम का मसला आता है, फैट में फैन नॉइजिंग आती थी, प्रो में फैन नॉइजिंग, तो इसमें फैट के PS5 के फैट में ना एज सच कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं आया, आया भी था तो वो एनालॉग कंट्रोलर के एनालॉग में कंट्रोल आया था बस, और वो ट्रिगर वगैरह पे। हाँ, तो मैं प्रेफर जो है वो फैट करूँगा। अभी स्लिम को आए हुए 2 महीने हुए हैं आई थिंक, तो उसके एज सच रिव्यूज़ आए ही नहीं है, और मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि लोग जिन्होंने स्लिम लिए थे वो ना 15-20 दिन में उन्होंने एड्स लगाए हैं बेचने के लिए कि यार 10 दिन चला हुआ है 20 दिन चला हुआ है, और जहाँ तक फैट की बात है, जब फैट आया था तो ये 1.5 साल तक भी यूज़ में नहीं आ रहा था। जी जी, यूज़ में कहीं से भी साल हो गया था, रेयर चीज़ थी कि यूज़ में कोई मिल जाए, रेयर हो रहा था कि मिल जाए, वरना 1 साल तक भी हमारे पास भी यूज़ में नहीं आया कि हम यूज़ में बेच सकें। तो इसलिए मेरा मशवरा तो अभी जो है, क्योंकि रेटों में भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है अभी जो है, आपके मशवरा ये है कि अगर आपकी रेंज है तो आप फैट लें, ठीक है ना, और अगर आपने स्लिम लेना है तो स्लिम का दोनों चीज़ें में फसला कोई नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उसके एज सच रिव्यूज आए ही नहीं है, तो जब स्लिम को भी 1 साल गुजर जाएगा तो पता चल जाएगा बेहतर कौन सी चीज़ है। जी, लेकिन आपको पता है फैट हमेशा से वो PS3 में हो, PS2 में हो, PS1 में हो, पायदार हमेशा फैट ही रहे, क्योंकि वो चीज़ बनाते हैं 7 साल में। जी, 7 साल उस पर वर्किंग करते हैं, स्लिम को वो सिर्फ मॉडल वगैरह चेंज करके उसको स्लिम को कस्टमाइज़ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं तो उसमें वो चीज़ें उनको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तो बस ये फ़र्क। तो ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि PS4 PS5 फैट के लिए जाए स्लिम के लिए, तो उनके लिए खाली है, अपना रेगुलर यूज़ है कि वो रोज़ के 12-12 घंटे खेलते हैं या 10-10 घंटे खेलते हैं, तो उनके लिए फैट बेस्ट है, फैट बेस्ट। और अगर कोई हफ्ते में 1-2 मरतबा या रोज़ के 3-4 घंटे खेलते हैं तो उसके लिए स्लिम बेस्ट है, स्लिम बेस्ट, क्योंकि बस इन दी एंड यही होता है कि आपको फैट की कंजम्पशन, हीटिंग कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हीट सिंक्स भी ज़्यादा हैं और वो उसको हीट को थ्रू आउट करने के लिए फैट की कैपेसिटी ज़्यादा है बनिस्बत स्लिम की। तो इससे ये है कि आपकी स्लिम के अंदर जल्दी रिपेयरिंग वगैरह आ सकती है बनिस्बत फैट के, और ऐसी PS4 में भी होता है कि ज़्यादातर रिपेयरिंग जो है आपकी स्लिम के अंदर आती है, फैट में तो बहुत ज़्यादा भी आता है तो सर्विस के लिए आता है। तो ये रिपेयरिंग सभी की अवेलेबल है आपके पास? सब की अवेलेबल है, रिपेयरिंग सबकी हो जाएगी, PS3 PS4 सिर्फ Xbox 360 की नहीं करते, इसके अलावा सारे कंसोल की जो है वो हाँ सबकी अवेलेबल, सबकी अवेलेबल है, Xbox सीरीज एक्स तक PS5 तक सबकी अवेलेबल है। सही, और अब फिर आगे PS4 प्रो पर चलते हैं। अच्छा, तो आपके पास नॉर्मल जो है नॉर्मल कंडीशन वाले डब्बे वाले वो कितने के दे रहे हो भाई? ये है आपका 1716 कंप्लीट सामान के साथ, ये आपको मिल जाएगा 63,500 का, का आपको बेहतरीन आपको 63-65 में बिना डब्बे का ये पीस मिल रहा है। मैं आपको डब्बे वाले के साथ दूंगा, वो भी ओरिजिनल डब्बा, काफी अच्छे रेट दिए गॉड ऑफ रैग्नारोक के साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीडी लेने जाओ गॉड ऑफ रैग्नारोक की तो आपको ही पता है कि 10,000 से नीचे तो मिलेगी नहीं, ऊपर ही मिलेगी, तो आपको एक सीडी भी साथ गेम साथ मिल रहा है इंस्टॉल्ड, ये 3-4 गेम है। अच्छा, 3-4 गेम कॉम्बैक 11 भी इंस्टॉल्ड है, बेहतरीन बेहतरीन, 2-3 और गेम है वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो काफी अच्छा ये पैकेज आप दे रहे हो 63,500 का पड़ेगा, और ये अपना फिक्स रेट है इसका? जी बिल्कुल। मैं अच्छा एक और चीज बता दूं, वीडियो में जैद भाई अक्सर होता है लोग आते हैं वीडियो देखकर आते हैं, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है वो डील निकाली थी 65 की, तो ये डील हमें दे दो 55,000 रुपये की, मैंने बोला भाई एक चीज़ ऑलरेडी इतनी कम है, आप वीडियो देखकर आ रहे हो और आप मुझसे 10,000 रुपये का इसमें और डिस्काउंट मांग रहे हो, चलो आप मुझे 1,000 रुपये बोलो या 2,000 रुपये बोले तो समझ में भी आता है, 5,000-10,000 रुपये अब प्रो डेड स्टैंडिंग मैंने 75 रेट को दिया, लोग उसके कस्टमर वीडियो देख के आके 6,500 रुपये लगा रहे हैं, तो मतलब आप अगर आप आ रहे हो एक चीज़ लेने के लिए, दुकान पे बैठ रहे हो, हमसे मेहनत करवा रहे हो, 1-1.5 घंटा चीज़ चेक कर रहे हो, और फिर आप ऐसी ऑफर लगा रहे हो, ऐसे पैसे लगा रहे हो, तो काइंडली इसमें आपका भी टाइम ज़ाया होता है और हमारा भी टाइम ज़ाया होता है, तो जाहिर सी बात है ना आप अपने साथ मजाक करें ना हमारे साथ मजाक करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारी मेहनत चल रही होती है, हम अपने वर्किंग आवर्स में सारी चीज़ें, तो हम वीडियो में जो भी रेट देते हैं वो हमारा बेस्ट रेट होता है और बिल्कुल फाइनल वाला रेट होता है। अगर होता भी है कि चलो आप पैकेज बना लेते हो, ज़्यादा सीढ़ियाँ ले लेते हो, तो उसमें जो 1,000-2,000 रुपये का और मार्जिन हो जाता है तो वो हम कर देते हैं, बट अगर आप 10,000 रुपये का हमसे वो मांगोगे मार्जिन, तो 10,000 रुपये तो हमारा मार्जिन भी नहीं होता है इसके अंदर,
फिर भी वीडियो के रेफरेंस से जो भी आता है तो डिस्काउंट जो है। वीडियोस में जो हमारे हम रेट देते हैं वो बिल्कुल हमारे फाइनल होते हैं। हाँ सीडियों में ये होता है कि आगे पीछे हो जाए, जो मशीन के रेट देते हैं वो फाइनल होते हैं। सीडी के आप हमसे पूछ लिया करें क्योंकि यूज़ में सीडियाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो कभी कोई 500 रुपये महंगी होती है, कोई 500 रुपये सस्ती होती है, तो उसका चलता रहता है। मशीन जो हम दिखा के आपको बता देंगे ये वाली मशीन इतने की पड़ेगी तो वो उतने की ही पड़ेगी, उसमें भी अगर आप हमसे कम कराएंगे तो उसमें पॉसिबल है नहीं। हाँ उसके साथ अगर आप 4-5 सीडियाँ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कंट्रोलर ले रहे हैं और फिर वो पैकेज में ला के आपका कोई 80-85 हज़ार रुपये बन रहा है, उसमें अगर हमसे कोई गुंजाइश होगी तो फिर हम वो सीडियों में एडजस्ट करके कंट्रोलर में एडजस्ट करके 500-2000 रुपये का और मार्जिन बार्गेन कर लेंगे। सही, तो ऐसे ही फिर डेस्क स्टैंडिंग वाले पे चलते हैं। ये पीस मौजूद है यहाँ पे डेस्क स्टैंडिंग वाला। जैद भाई ये जो डेस्क स्टैंडिंग वाला पीस है ये तो अभी बाई से मेरी जो है वो डन हो गया, तो मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ जबान से पे 3 दिन से, तो ये जबान हुई है तो इसलिए जब तक वो मुझे ना नहीं बोलेंगे तो तब तक मैं इसको किसी को ऑफर करूँगा नहीं। बाकी जहाँ तक अपना ये 500 मिलियन एडिशन की बात है, ये आपको पड़ेगा, ये पहले मैं 80,000 का तक का सेल कर रहा था तो ये अब आपको पड़ेगा 78,000 तक का पड़ जाएगा आपको पीएसओ प्रो सामान 500 मिलियन लिमिटेड एडिशन है ये। सही है, ये के साथ कंट्रोलर जो है ये वाला है तो साला ये वाला कलर का। अच्छा ये वाला कंट्रोलर आप इसके साथ दे रहे हो, इसका ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं है, इसका ओरिजिनल है। सही है, तो 78,000 रुपीज़ का ये आप दे रहे हो यहाँ पर। इसके अलावा ये कैमो जी ये दो है पीस है, 1 TB में है, ये आपको 55,000 रुपये के पड़ेंगे। सही है, इसमें जो 500 GB है डेज ऑफ प्ले वाला ये आपको 53 का पड़ेगा और इसमें 1 TB जो है वो आपको 56 का पड़ेगा। 56 का पड़ेगा, सही है। इसके अलावा ये एक और है मेरे पास डेज ऑफ प्ले, ये ग्रे कलर में, ये आपको पड़ेगा कंप्लीट सामान के साथ 56,000 में। 56,000 रुपीज़ का आप वो डेज ऑफ प्ले दे रहे हो 1 TB स्लिम में विद बॉक्स। सही है, प्रो पर आ जाते विदाउट बॉक्स वाले। इसी में जैद भाई प्रो ये आपको पड़ेगा, ये 71-16 मॉडल है, ये आप देख सकते हैं 71 मॉडल है, सील्ड मशीन है, ठीक है। इसके मेरे पास तकरीबन जो हमने डील लगाई थी वो काफ़ी सेल आउट हो गए हैं, तो इस वक्त अभी मेरे पास इसके 3-4 पीस पड़े हैं। ये आपको जो पड़ेगा ये 59,000 का पड़ेगा, 59,000 रुपीज़ का विदाउट डील, विदाउट डील 59,000। अगर डील में जाएंगे तो ये डील में वही आपको 65,000 का टेकन या GTA की CD आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। सही है, और एक कॉपी कंट्रोलर। सही, तो 59,000 रुपीज़ का ये आपको पड़िए 71-16 सील पीस मिल जाएगा बेहतरीन। यहाँ पे लोग 62-65,000 रुपये का कम से कम हर जगह प्रो है, ये मैं बताऊँगा सील्ड है, खुला हुआ नहीं है, सील पीस है, खुले हुए लोग जो है वो 58-60 तक के बेच रहे होते हैं। बेहतरीन, तो इसके साथ दूसरे मॉडल हैं आपके पास अभी? जी इसके अलावा अगर आप 72 मॉडल लेंगे, 72 मॉडल आपको पड़ेगा 64,000 रुपीज़ का, हमारा फिक्स है उसका, मेरे पास काफ़ी लॉट है, आपको दिखा भी देता हूँ एक नज़र, कंडीशन भी दिखा देता हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि किस कंडीशन में हमारे पास पीस है। ये आप देख सकते हैं ये 72 मॉडल है, साफ सुथरी कंडीशन में, ये एक पीस है, ठीक है। ये पीस है सील्ड मशीन अमेरिकन मॉडल, साफ सुथरी कंडीशन में, ये सारे पीसेज जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, ये आपको 64,000 तक के पड़ेंगे। सही, ये 72-16 मॉडल है और अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, ठीक है, और अमेरिकन में 72 में सील जो है वो ब्लैक होती है। सही, इसी के साथ जेलब्रेक प्रो पर आ जाते हैं, तो पहले स्पाइडरमैन वाला का बताएं इसको निकालें। ये अगर एक कंट्रोलर के साथ देंगे तो ये आपको पड़ेगा 98,000 का, और दो कंट्रोलर के साथ लेंगे कॉपी, एक कॉपी होगा एक ओरिजिनल, ये लाख रुपए का पड़ेगा, लाख रुपए का पड़ेगा। सही है, ये इसके फाइनल रेट्स हैं। सही, और नॉर्मल ये मेरे पास 71 मॉडल है, ये अमेरिकन मॉडल है, साफ सुथरी मशीन है ये भी, ठीक है ना, ये आपको पड़ेगा प्रो जेलब्रेक के अंदर बिल्कुल नए जैसे कंचा पीस है ये, तो ये आपको पड़ेगा 93,000 रुपीज़ का जेलब्रेक आप दे दोगे। सही है, और अब आ जाते हैं स्लिम विदाउट बॉक्सेस वाले, कितने के दे रहे हैं आप? जैद भाई इसमें जो है ये अपना मेरे पास जो है एक 1 TB है बॉक्सेस में अभी फिलहाल, ठीक है ना, ये पीस है, ये आपको बॉक्स में ये आपको पड़ेगा 54,000 का, 54,000 रुपीज़ 1 TB, ठीक है ना। इसके अलावा ये 500 GB है, ये वाला आपको 52 का पड़ेगा। सही ना, ये भी आपको इसमें जो है तकरीबन अच्छे खासे गेम इंस्टॉल्ड हैं, एल्डन लिंक भी है और काफ़ी नामी गिरामी गेम्स हैं, तकरीबन 4-5 गेम्स इंस्टॉल्ड है, GTA 5 इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, ये आपको तकरीबन पड़ेगा 56,000 रुपीज़ का ये पड़ जाएगा। सही है, और इसके अलावा ये है मेरे पास 2 पीस, ठीक है ना, ये बिल्कुल नए जैसे कंडीशन में पीस है, ये आपको तकरीबन जो है वो 54,000 के पड़ेंगे, 54,000 बिल्कुल नए जैसे पीस है। सही, सिलिम 500 GB, सिलिम 500 GB, इसके अलावा सिलिम के बाकी विदाउट बॉक्सेस में है, तो विदाउट बॉक्सेस में ये एक पीस है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं सील इसकी, ये इसकी इनर कंडीशन, ठीक है,
ये आपको पड़ेगा 47,000 का, 47,000 रुपीस का। एक ये पीस है मेरे पास, इनमें काफ़ी यूनिट्स हैं, ये मॉडल हैं, 22 वाले हैं, ये हैं, ये 50,000 तक का है, ठीक है ना। इसी में 1TB में जाएंगे आप, 1TB में ये मशीन है मेरे पास, 22-15 मॉडल है, ये देख लें काली सीज है, ये भी 700 1TB में मशीन है, ये 54,000 तक की पड़ेगी। सही, और वैसे भी आप इनमें से भी कोई सा भी लेते हैं ना 500GB वाला, 1TB अगर कराना है तो 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे, सही डिफरेंस आ जाएगा। ये स्लिम जेल अपना स्लिम की प्राइस हमारे पास 47 से लेकर ऑनवर्ड्स 500GB जो है वो 54 तक की है, और 1TB जो है वो 53 से लेकर 56 तक की रेंज में। सही, और अब फिर आ जाते हैं जेल ब्रेक। स्लिम जेल ब्रेक में ज़्यादा ही, ये मेरे पास एक वाइट मशीन है जेल ब्रेक में, जी ठीक है ना, ग्लेशियर वाइट। ये आपका मॉडल जो है इसका 2116 मॉडल है, ये सील्ड मशीन है, ये आप देख सकते हैं। सही, 500GB है, ये आपको पड़ेगी 75,000, 75,000 रुपीस की ये पड़ जाएगी, 75 की पड़ेगी। इसके अलावा जो है ये की यूनिट है 500GB में, ये आप देख सकते हैं, ये आपको कंडीशन आप देखें कैसी बेहतरीन खूबसूरत, ये आपको पड़ेगा 72,000 का, 72,000 रुपीस का ये पड़ जाएगा सील पीस 500GB। इसके अंदर एक और यूनिट है 500GB के अंदर मेरे पास, ये 22 वाला मॉडल है, ठीक है ना, ये भी साफ सुथरी कंडीशन में है, ये आपको पड़ेगा 75,000 रुपीस का ये पड़ जाएगा, 2216 मॉडल है ये, सही है, ठीक है। सारे जेल ब्रेक के बता रहे हैं, 1TB के लिए तो काफ़ी यूनिट्स हैं। ये एक यूनिट है, ये आपका है 2215 मॉडल है, 2216 मॉडल है, बिल्कुल साफ सुथरी नए जैसा पीस है, इसका 5.5 वर्जन है अभी, सही, ये आपको पड़ेगा 85,000 का, 5.5 वर्जन यानी ये चलाएंगे स्टार्टिंग वाले वो है, ये 85 का पड़ेगा जो 5.5 वर्जन है। एक इसके अंदर जो है ये 7.50 है, ये 83 का पड़ेगा, 83 का ये पड़ जाएगा। इसमें एक जो है ये 8.03 है, ये 82 तक का पड़ेगा, 82 तक का ये। और इसके अंदर एक और है, ये पीस है, ठीक है, ये आपको पड़ेगा लाभ का भला करे 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का ये पड़ जाएगा, सही। ये भी 1TB, और ये सारे 22 वाले मॉडल, 22 वाले मॉडल, 22 वाले मॉडल का बता रहा हूँ मैं, सही। बाकी जो स्लिम में बताया उनमें आप 1TB में जाएंगे, जो 72 का बताया 75 का, 1TB में जाएंगे 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे, सही है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे माशाल्लाह स्टॉक काफ़ी निकल चुका है आपका, तो किसी को भी अपना गेम कंसोल या कंट्रोल सेल करना है तो भाई हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हम सारी मशीनें बाय कर रहे हैं, PS4 PS5 सिर्फ प्रो को छोड़ के बाकी सारी मशीनें बाय कर रहे हैं, प्रो नॉन जेल पे को छोड़ के सारी मशीनें बाय कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास है आप हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजें, सील की लाजमी पिक्चर भेजा करें क्योंकि मैं सील मशीन के अलावा नहीं लेता, और अगर खुली हुई होती है मशीन तो आप लेकर आएंगे, मैं आपसे एक दिन का टाइम लूँगा, उसकी मशीन को चेक कराऊँगा, उसका बोर्ड, अगर उसकी बोर्ड पर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई हुई, सिर्फ सर्विस के लिए खुला हुआ या सीडी रोम के लिए खुला हुआ, तब मैं आपसे बाय करूँगा, अदरवाइज़ आपको वापस पैक करके दे दूँगा। अगर आप ये चीज़ करवाने के लिए राजी हो तो आप मेरे पास पे खुली हुई मशीन लेकर आइएगा, सही। और कंट्रोलर कौन कौन से बाय कर रहे हो? कंट्रोलर PS4 PS5 एक्सबॉक्स सारे सही जी। ये एक्सबॉक्स वाले बोले, सीरीज वाले बोले, अच्छा जी, एक्सबॉक्स सीरीज वन वाले नहीं, वन वाले में इश्यूज इतने आए हुए होते हैं, पहले से ही आते भी हैं यूज़ में, तो ऑलरेडी इतने इश्यूज होते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। अच्छा, गेम किस कंसोल के अभी परचेस कर रहे हो? PS4 PS5 के अलावा हमारी गेम्स की किसी की सेलिंग नहीं है, सिर्फ PS4 PS5 की सेलिंग है। और अगर कोई अपना गेम्स वगैरह जैसे सेल करने आता है, जैद भाई गेम अगर आपने एक्सचेंज कराना है तो मेरे पास अगर कोई कॉपी जो है वो अपना गेम्स एक्सचेंज अगर आपने कराना है सेम वैल्यू गेम, तो सेम वैल्यू गेम आपको पता है हम लोग 500,000 रुपये में चेंज कर देते हैं। अब अगर आप गेम दे रहे हैं मुझे अपना 3,000 रुपये वाला, और आप मुझसे मांग रहे हो 10,000 वाला गेम, और वो 3,000 वाला जो गेम आप मुझे दे रहे हो उसके ऑलरेडी मेरे पास 6-7 पीस पड़े हैं, तो वो मैं आपसे बाय नहीं कर सकता, वो आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, वो आप मुझे सेल आउट कर रहे हो और मेरे से मेरा महंगा वाला गेम खरीद रहे हो। सेम एक्सचेंज उस पर होता है ज़्यादातर सेम वैल्यू गेम पे, सेम वैल्यू गेम अगर आप मुझसे लोगे उसी की कैटेगरी का, तो उस पीस के बेशक मेरे पास 10 पीस पड़े हों या 50 पीस पड़े हों, वो मैं आपका 500,000 रुपये में चेंज कर दूँगा। सही है, चेंज करने का एक्सचेंज करने का कभी मना नहीं है, सिर्फ मना हम तब करते हैं जब वो आप सीडी हमें सेल कर रहे हो, तो आप एक चीज़ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, इतने सारे पीसेस पड़े हुए हैं, तो मैं आपकी बाय करके अपने पैसे उसके अंदर क्यों फंसाऊंगा? हाँ, सही बात। तो जब उसका स्टॉक क्लियर हो जाता है तो हम मैसेज डाल देते हैं कि सर अगर आपको अब सेल आके करनी है तो आप कर लें। अपनी सीडियाँ तो मैं लाजमी लेता हूँ, जो मेरी अपनी बेची हुई सीढ़ियाँ होती हैं ना, जिन पे मेरा टैग लगा होता है, क्योंकि वो मैंने ही बेची हुई होती हैं, तो वो मैं लेता हूँ। अगर आपने वो किसी और से ली हुई और आप वो मुझे ला के बेच रहे हो, तो वो मैं जो है वो अपने स्टॉक के डिपेंड के ऊपर देखता हूँ कि आया मुझे उसकी नीड है या नहीं है। अपनी सीढ़ी तो हम लोग बेशक मेरे पास 10 पीस हों तो हम वापस जो डिडक्शन हमारी चार्जेस होती हैं हम वो काट के वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ही फिर PS फैट पर आ जाते हैं। जैसे ही फैट में मेरे पास डब्बे में 4 पीस पड़े हैं, ये 2 500GB हैं, ये आप डब्बे वाले पीस लेंगे ये आपको पड़ेंगे अराउंड 46,000 के।
46,000 के 1 TB लेंगे तो 1 TB ये वाला 48 का पड़ेगा, ये वाला जो है वो 52 का पड़ेगा, 52 का पड़ेगा, नए जैसा पीस है बिल्कुल। और विदाउट बॉक्स पर आ जाए, विदाउट बॉक्स में मेरे पास ये दो वाइट है, ये वाइट में है, स्टील मशीन है, ये आपको पड़ेगा 45,000 का ये पड़ जाएगा। इसमें दो पीस है मेरे पास, एक ये वाला पीस है, ठीक है ना, ये 46 का पड़ेगा, ये इससे भी साफ है बहुत अच्छा, बुलबुल के बच्चे ये बिल्कुल साफ। और इसके अलावा ये फैट है 1200 मॉडल, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, आप कंडीशन चेक करें, सील्ड मशीन है, ये आपको पड़ेगा 44,000 का, 1200 मॉडल, सही। इसमें भी मैं भाई यूनिट, और जो 1100 मॉडल होता है वो आपका जो है तकरीबन 42-41 ऐसे होता है, वो अभी उसका स्टॉक मेरे पास नहीं, तो 1200 मेरे पास आपको 44-45-46 तक की रेंज में मिल जाएगा। वही 1 TV पे जाएँ तो 4000 रुपये पड़ जाएंगे, जो 44 वाली मशीन है उसके 1 TV में जाएंगे तो 4000 रुपये पड़ जाएंगे, सही है। तो अब जेल ब्रेक, इनका जेल ब्रेक जैद भाई, इसमें मेरे पास अभी जेल ब्रेक में जो है काफ़ी यूनिट हैं, इसमें मेरे पास दो यूनिट्स ही हैं, ये एक वाइट में है जेल ब्रेक 500 GB, ये आपको पड़ेगा 68,000 का, सही है। इसमें जो है एक और पीस है, ये पीस जो 2 TB वाला है जो मैंने बताया था, अच्छा ये इसकी पहले हम लोग प्राइस कोट कर रहे थे अराउंड 78,000, लेकिन अब मैं ये जो है वो 75 में दे दूँगा, फाइनल ये बिल्कुल फाइनल 2 TB 1200 मॉडल सील पीस 75,000। अब 75 में कुछ कुछ जगह तो आपको 1 TV मिल रहा होता है जेल ब्रेक, और ये पर यहाँ पर आपको बिल्कुल आप एक नजर देखिए, साफ सुथरा पीस है जी, ठीक है, कंचा पीस है, ये आप देखिए, ओ तेरे, कोई डस्ट वर्स भी नहीं है इसके अंदर, बस नॉर्मल सा, ये बिल्कुल नया जैसा पीस है, बिल्कुल नया जैसा जी, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन सील्ड मशीन है। तो ये आप दे रहे हो 75 में 2 TB, 75 में ये दे दो, ये 2 TB, सही, इसी में ये 1100 है, ठीक है ना जी, ये लेंगे तो ये पड़ेगा 62,000 का, 62,000 रुपीज़ का जेल ब्रेक, 500 GB, ये 62 का पड़ेगा, 62 का ये पड़ जाएगा, सही है। तो सारे यहाँ पर हो चुके हैं अपना कंसोल, अब आ जाते हैं, अच्छा एक्सबो सीरीज एस का इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि अभी स्टॉक है नहीं, सही, स्टॉक हर जगह शॉर्ट हुआ है इसका, मेरे पास इंशाल्लाह ताला स्टॉक आएगा बट वो थोड़ा लेट आएगा, तो हमारी शिपमेंट नेक्स्ट आएगी वो तकरीबन अप्रैल में आएगी, अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आपको हमारी शॉप पे दोबारा से भरपूर स्टॉक, अभी भी भरपूर स्टॉक है, जो आपको चीज़ चाहिए मिल जाएगी, एक्स्ट्रा जो स्टॉक होता है नई नई चीज़ें वो इंशाल्लाह ताला आपको अप्रैल की वीडियो में मिलेंगी, तो सीरीज एस वगैरह इंशाल्लाह आपको अप्रैल तक मिल जाएंगे, उससे पहले अगर आ गए तो वो भी आपको देखेंगे, हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, सही है। तो अभी तो फिलहाल ये कंट्रोलर्स वगैरह पर हम चलते हैं, बाकी एक्सेसरीज वगैरह, तो ये ड्यूलसेंस चार्जिंग स्टेशन है PS5 का, ये जैद भाई 9000 रुपये का, 9000 रुपये का वही अपना PS5 की कंट्रोलर। अच्छा, इस चार्जिंग स्टेशन में भी ना जैद भाई दो आते हैं, एक जापान वाला आता है जी, एक जो है ये अलग आता है, जो ये एक तो ये आप देखें ये छोटा डब्बा है, सही ना, एक जो है ये आपका बड़ा डब्बा है, अच्छा ये क्या फ़र्क जी, ये भी फ़र्क होता है, ये बहुत चीज़ें आती हैं कंट्रोलर में भी, अब रीफर वगैरह आ गए जो मैंने आपको PS5 के दिखाए, तो ये भी काफ़ी इसके अंदर वैरायटी होती है, तो ये जापान वाला जो है ना ये 8,500 रुपये का, सही, जो हर जगह 8,000-8,500 रुपये का मार्केट रेट, इसमें एक चाइना वाला भी आ रहा है वो तो 7,500 रुपये का भी रेट है, सही है। तो मेरे पास जो ज़्यादातर है ना वो UK वाले का स्टॉक होता है, या USA वाला या कनाडा वाले का स्टॉक होता है, तो वो आपको 9,000 रुपये का पड़ेगा, और ये जापान वाला मेरे पास एक दो पीस पड़े हुए, ये आपको 8,500 रुपये के पड़े। तो ये जो डब्बे में फ़र्क है अपना साइज़ का, तो क्या इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या चीज़ का, जैसे PS5 में कोई फ़र्क नहीं है वैसे उसमें फ़र्क नहीं है, बस सारी आती है चीज़ के, बस बोलते हैं ना मेड इन, अब जो जापान और उसके PS5 में भी जो है ना, अब जापान के जो वोल्ट लिखे होते हैं ना वो लिखा हुआ 100 वोल्ट होता है, बट वो चलता 220 के लिए, और जहाँ पे USA है उस पर 120 से लेकर 240 लिखा होता है, तो लोग उसकी हिचकिचाहट में ज़्यादातर जो है USA या UK लेते हैं, सही। इस वजह से बस ये फ़र्क की वजह से, हालांकि चलता सब सेम ही है, चीज़ सब सेम ही होती है, बस वो लिखे हुए, क्योंकि जापान पर सिर्फ 100 वोल्ट लिखा होता है और USA UK पर आपका 120 से 240 वोल्ट लिखा होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर UK या USA वाले की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ मैंशन की वजह से। वही कंट्रोलर्स पर आइए, कंट्रोलर पे जैद पे आते हैं, तो ये आप वाइट कलर, अब माशाल्लाह से ये फीफा वाला स्टॉक था, तो एक ही पीस बचा है मेरे पास, अभी इंशाल्लाह स्टॉक आ जाएगा, आपको स्टॉक मेरे पास मिल जाएगा, कल आना था और आज वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से, और ये आपको पड़ेगा 18,500 रुपये का, 18,500 रुपये का ये पड़ जाएगा। अगर आप कलर्स में जाएंगे तो कलर्स में आपको ब्लैक, रेड और पर्पल, और जो ब्लू है स्काई ब्लू, वो आपको पड़ेंगे 19,000 रुपये के, और ये मेटेलिक, और इसमें जो ये मेटेलिक है ये आपको पड़ेंगे 19,500 रुपये के, और जो कैमो है वो 20,000 रुपये का पड़ेगा, और गॉड ऑफ वॉर वाला एडिशन वाला, इसके मैंने प्राइस कम कर दिए, ये 29,000 रुपये का पड़ेगा, 29,000 का ये पड़ जाएगा, सही है।
और PS4 की कस्टमाइज कॉपी कंट्रोलर की भी जैद भाई इंशाल्लाह ताला कल तक स्टॉक मेरे पास आ जाएगा। रेट अब जो है इसका कॉपी का हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है, तो जो कलर्स नॉर्मल कलर्स वाले हैं वो 3500 रुपये का है और जो कस्टमाइज वाले हैं वो 3800 रुपये है। सही जी। और PSVR 2 मौजूद है आपके पास जैद भाई, ये पड़ेगा 140,000 रुपये। 140,000 ये फाइनल रेट है आपके। इसकी हमने अनबॉक्सिंग भी दिखा दी है कि बिल्कुल ये ब्रांड न्यू पीस है, सिर्फ सील खोल के हम लोगों ने चेक किया था, तो ये ब्रांड न्यू वाउचर इसके अंदर है नहीं, वो अलग से भेज दिया था, तो ये 140 का पड़ेगा बिल्कुल फाइनल फाइनल 140 का। सही। और PS4 के ओरिजिनल कंट्रोलर्स उसका स्टॉक खत्म हुआ वो स्टॉक खत्म हो गया, अभी तो ओरिजिनल ब्रांड न्यू अवेलेबल नहीं है, यूज में मिल जाएंगे अभी, यूज में तो पूरा मेरे पास कार्टन है जी, ब्रांड न्यू खत्म हो तो यूज कितने के दे रहे हैं? ब्रांड न्यू भी मिल जाएगा बट ब्रांड न्यू का रेट जो है वो अब तकरीबन 15,500 रुपये 15,500 रुपये ब्रांड न्यू डब्बा पैक। और यूज यूज में अगर आप जाएंगे तो 7,000 से लेकर 10,000 तक की प्राइस रेंज है उसके अंदर। PS5 के कंट्रोलर यूज में है? PS5 के कंट्रोलर हमारे पास जो है वो लॉट जो है वो 12,000 से लेकर 13,500 तक की रेंज। सही है। 12 से 13 तक की आपको विदाउट बॉक्सेस में मिल जाएंगे और डब्बे वाले 13,500 के। डब्बे वाले रेड कलर है और वाइट कलर भी है, ये वाइट डब्बे वाले तो ऐसे हैं जैसे नए जैसे हों बिल्कुल। और एक्सबॉक्स सीरीज के सीरीज एक्स मेरे पास यूज में भी है, यूज में एक अक्वा शिफ्ट वाला है जी, वो आपको वाला ये एक्वा शिफ्ट है ठीक है ना, बेहतरीन। ये आपको पड़ेगा 13,000 रुपये 14,000 रुपये के रेट दिए थे, ये 13 का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा ब्लैक में 12,000 रुपये का। सही। और बाकी इसमें जो डब्बे वाले पीसेस हैं वो आपको पड़ेंगे तकरीबन 12,500-13,500 तक। और ब्रांड न्यू? ब्रांड न्यू तो अराउंड 18,500 रुपये का रेट। सही। और ये स्पेक्ट्रा? ये स्पेक्ट्रा पड़ेगा 9,000 रुपये 9,000 रुपये का ये पड़ जाएगा। जवाब भाई रेंटल सर्विस तो बताएं। जैद भाई रेंटल सर्विस हमारी जो है वो जो पुरानी गेम्स हैं उस पर पर डे 50 रुपीस है, मिनिमम आपको 10 दिन लेनी पड़ती है, और जो लेटेस्ट गेम है उसमें जो है आपको जो चलने वाली गेम है जो और जो लेटेस्ट में आते हैं उसका जो आपका 100 रुपये पर डे है, मिनिमम आपको 10 दिन लेनी पड़ती है। सही है। और अगर आप पैकेज में जाते हैं तो PS4 का जो पैकेज है वो 3,000 रुपये महीना है और PS5 का जो पैकेज है वो 4,000 रुपये महीना है, उसमें आप 3 DVDs एट अ टाइम ले सकते हैं, PS4 की और PS5 की 4 DVDs एट अ टाइम ले सकते हैं। और ये बाउंडिंग भी तो है ना ये पैकेज में? वो अनलिमिटेड वाले हैं, अनलिमिटेड वाला 5,000 आपका रेंट है और ठीक है ना, उसमें आपका अनलिमिटेड स्वाइप है। सही। जो मतलब मंथली दिन में गेम ख़त्म करके ले आते हैं ना ये उनके लिए, उनका मंथली जो है वो अनलिमिटेड स्वाइप है, 5,000 उनका रेंट है, अनलिमिटेड है। सही। उसके अंदर आप ब्रांड न्यू गेम पुराना गेम आपको सब मिल जाएगा। और ऐसे ही अब ये गेम पर आ जाएँ तो सबसे पहले टेकन 8 के आप रेट बताएं क्या चल रहे हैं अभी? जैद भाई टेकन 8 आपको पड़ेगा 14,000 रुपये का ब्रांड न्यू। 14,000 रुपये का ब्रांड न्यू ये पड़ जाएगा। द लास्ट ऑफ पार्ट 1 कितने का दे रहे हो आप? द लास्ट ऑफ पार्ट 1 ये पड़ेगा 11,500 रुपये का। और रेजिडेंट ईविल 4 ये पड़ेगा 10,000। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक 11,000। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 ये ब्रांड न्यू 17,000। और गोस्ट ऑफ सुशिमा डायरेक्टर्स कट मौजूद है, ये ब्रांड न्यू है 10,000। असैसिन क्रीड मिराज, मिराज ये यूज के अंदर है 10,000। होगवर्ट लेगेसी ये भी यूज में है, ये भी 10,000। सही है। डीमन सोल्स 4,500। सही है। GTA 5? GTA 5 ब्रांड न्यू है जैद भाई अपना 6,000 रुपये का। और कुछ लेटेस्ट गेम और भी है जैसे FC 24? ये ब्रांड न्यू आपको पड़ेगा 11,500 का। 20 क्रिकेट 24? ये 12,000 रुपये। और 2K 23? 2K 23 ये ब्रांड न्यू है 12,000। और ग्रैंड टूरिज्मो 7 ये यूज के अंदर है 9,500। होराइज़न फॉरबिडन वेस्ट यूज में 6,000। अच्छा। रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट ये 6,500। ईविल वेस्ट 8,000। जेडाई सर्वाइवर ये 10,000। वॉचडॉग लीजेंस ब्रांड न्यू 4,500। रेजिडेंट ईविल विलेज 5,500। और कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 ये 9,500 रुपये। एल्डर रिंग 7,500। सही हो गया। अब ये सोनिक फ्रंटियर ये भी नया है, ब्रांड न्यू है 8,500 रुपये। ब्रांड न्यू 8,500 रुपये का। और डेड आइसलैंड 2 है ये भी 10,000 का। सही। अब PS4 की गेम्स पर आ जाते हैं तो जो 1,000-1,500-2,000 की रेंज वाले उनके ये जैद ये पूरी लाइन मैंने बना दी है यहाँ से लेकर वहाँ तक ठीक है ना, इसमें से NBA 2K 21 छोड़ के बाकी सारे जो है ये आपके 1,500-2,000 तक की रेंज में ये आप देख लें। ठीक है। ये भी गेम्स हैं, हाँ ये भी रखे हैं, ये भी बस विदाउट कवर है, इनके ऊपर लिखा हुआ है ये वॉच डॉग है ठीक है ना, इसके अलावा ये वॉकिंग डेड है ठीक है, ये न्यू फ्रंटियर। ये वॉकिंग डेड ये कौन सा अपना सीजन है? ये न्यू फ्रंटियर है। सही है। ये 2,000 रुपये का है सीजन कह रहा हूँ। बाकी ये गॉड ऑफ वॉर 3 है ये भी 2,000 रुपये की है ठीक है, और ये टेल्स ऑफ अराइस है ये आपको पड़ेगा 1,500 रुपये का। सही है।
और बाकी अब ये 1500 रुपये का, 1500 रुपये का वॉच। अब बाकी इन गेम्स पर तो गॉड ऑफ वॉर 2018 ये 3000 रुपये का जैद भाई। रैग्नारोक, रैग्नारोक ब्रांड न्यू अभी मेरे पास पड़ा हुआ है 13000 रुपये का, यूज में नहीं, यूज में 11000 तक का रेट है। और RDR2, RDR2 यूज में 5000, ब्रांड न्यू 6500। होगा लगेसी, हॉगवर्ड्स लेगेसी सैद भाई ये ब्रांड न्यू है 12000 रुपये का। अच्छा मेटल गियर सॉलिड 5 ये ग्राउंड जीरोस मौजूद है आपके, ये कितने का दे रहे हो? ये 2500 रुपये का सैद भाई। क्रिस्टल प्रोटोकॉल ये 7500 रुपये का। और ग्रैंड GTA 5 ये 4000 रुपये का। अच्छा स्नाइपर एलाइट 5 भी बस यूज में है इसका PS4 का, ये आपको पड़ेगा 6000 का। 6000 का ये पड़ जाएगा। और लॉजी जो है वो आपका 6500 रुपये का। 6500 रुपये की। गोसो शिमा 5500। एल्डर रिंग यूज में 6500 PS4 का और ब्रांड न्यू 9500। और ये साइबरपंक 2077 का ये कंप्लीट वो है ना जी, बुक वगैरह जिसमें होती है, ये आपको 5000 का पड़ेगा। 5000 का। ये होराइजन फॉरबिडन वेस्ट कितने का दे रहे हैं इसपे? होराइजन फॉरबिडन वेस्ट 6000 का। और डेज़गोन? डेज़गोन 3500 रुपये का। होराइजन जीरो डॉन 1500 रुपये का। अच्छा डेमन स्लेयर एक रेयर अब गेम थोड़ा काफी डिमांड में रहता है, ये पड़ेगा 5000 का। 5000 का। फार क्राई सिक्स आपको ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है, ये मेरे पास ये 5500 का। और अच्छा लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड कितने का दे रहे हैं आप? जैद भाई ये लास्ट ऑफ अस 1 जो है ये 2800 रुपये का। और पार्ट 2? पार्ट 2 4500 का। और अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन? ये कलेक्शन 2000 रुपये का। और 4? 4 2500 रुपये का। माफिया ट्रिलॉजी मौजूद है, ब्रांड न्यू है माफिया ट्रिलॉजी, ये यूज में है 6000 का। सही। मोटोकॉम्बे 11? 11 यूज के अंदर जो है वो अल्टीमेट वाला 4500 का यूज में और नॉर्मल वाला 3500 रुपये का। FC 24 कितने का दे रहे हो? ये PS4 पे जो है ये आपका 11000 रुपये का। और क्रिकेट 24? ये 11500 का है PS4। और 22 है? 22 अवेलेबल नहीं है अभी। सही है। 2K23? जैद भाई ये 2K23 यूज में आपको पड़ेगा 8500 रुपये का। 22 ब्रांड न्यू है 7000। ग्रैंड टूरिस्मो 7? ये भी ब्रांड न्यू है 9500। टेकन 7 कितने का दे रहे हो? Taken 7 ब्रांड न्यू 4000। और Evil Within 1? Evil Within 1 1500, Evil Within 2 2500। Assassin's Creed Mirage? Mirage ब्रांड न्यू है 11000 रुपये का। और Resident Evil Village? Village जो है वो 5500 का है। 4? Resident Evil 4 ये आपको पड़ेगा 10000 का। 10000 का। सही। Injustice का वो आपके पास मौजूद है या क्या कहते हैं लेजेंडरी एडिशन? इसके अंदर स्टील बुक भी है और विदाउट स्टील भी है, जो स्टील वाली है वो 4 की और जो विदाउट स्टील है वो 3500 रुपये। 3500 रुपये की। सही। तो इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे रेट्स अपना जवाद भाई ने आपको यहाँ पर दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, PS4 के अच्छे रेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। डील्स वगैरह जो इन्होंने थोड़ा डिस्काउंट वगैरह किए रेट्स में, तो अच्छे इन्होंने डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर मिल गया। PS3 के काफ़ी अच्छे रेट दे दिए 27000 रुपये में 2 कंट्रोल के साथ और 19000 रुपये में 2 कंट्रोल के साथ, आपको अच्छा यहाँ पे पैकेज दे दिए। तो अभी के लिए तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू मिलती रहे। किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो, गेम्स की, कंसोल्स की, कंट्रोल वगैरह की, रेंटल सर्विस अभी भी समझ ना आई हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो इनकी सर्विसेज वगैरह, तब डायरेक्टली इन्हें कॉल करके इन्हें तंग कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। इनका नंबर, एड्रेस वगैरह, गूगल मैप लोकेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया लिंक के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।